नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। भगवान शंकर जी की पूजा करने से मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की शुभ घड़ी में शिवलिंग पर जल, दूध, धतूरा, भांग, बेलपत्रा आदि जरूर अर्पित करना चाहिए। इसे हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे खास चीज है जिसे घर में खरीद करके लाने से सुख समृद्धि एवं संपन्नता बढ़ती है। तो इस वीडियो को आपको एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए, कम से कम जानकारी के लिए पूरा जरूर देखना है। मैं जो जानकारी बताऊंगा, शायद इस जानकारी से आपकी किस्मत संवर जाए, आपकी किस्मत चमक जाए। और हाँ, एक ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा, वैसे मैं दो वस्तु के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक ऐसे वस्तु है जो कि आपको फ्री में मिलेंगे और एक वस्तु आपको पैसे से खरीदना है, जो कि अगर आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देंगे तो दुनिया आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, उस ऊंचाई पे पहुंचेंगे जहां पे लोग पहुंचने के लिए तरसते हैं। दुनिया बिल्कुल ही आपके सामने में सर झुकाएंगे। तो इस वीडियो में जानते हैं कि सर्वप्रथम महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या खरीद करके लाना चाहिए, और इसी के बाद जानेंगे शिवलिंग की पूजा कैसे करें, फिर जानेंगे हम अपने पर्स में क्या रखें। दोस्तों, सारे जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को संवार सकते हैं। और प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। देखिए, हम एक योग्य सलाहकार हैं, करना नहीं करना ये आपके ऊपर में है। जो जैसा करते हैं उसको वैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वस्तु जागृत अवस्था में होते हैं। छोटी सी जानकारी बताना चाहूंगा, चाहे महाशिवरात्रि के दिन चावल के छोटे से कण, चाहे महाशिवरात्रि के दिन सोने के, चांदी के, तांबे के या फिर किसी भी धातु के छोटे से कण अगर आप शिवलिंग पर टच करा देते हैं तो वह तुरंत जागृत हो जाते हैं। न मंत्र की पाठ करने की जरूरत है, न तंत्र, न विधि विधान से पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल शिवलिंग पर इस दिन कुछ भी वस्तु को टच करा दें, आप स्पर्श करा दें तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग इस दिन जागृत अवस्था में होते हैं। वह तुरंत स्पर्श कराते हैं, जो भी वस्तु की स्पर्श कराते हैं वह जागृत हो जाते हैं। तो महाशिवरात्रि पर इन वस्तु को ला करके भगवान शिवलिंग पर आप जो है भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर टच कराइए, जागृत हो जाएंगे, फिर आप इनके चमत्कार अपने आंखों से देखना। तो पहले चीज है चांदी या तांबे के त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शंकर जी के अस्त्र हैं। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव जी का त्रिशूल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं कर सकते, वहां पे किसी भी प्रकार के तंत्र शक्ति नहीं लगते। तो आप जो है महाशिवरात्रि के दिन चांदी का त्रिशूल या फिर तांबे का त्रिशूल ला करके भगवान शंकर जी के मंदिर में इसे अर्पित करें, शिवलिंग पर इसे टच करा दीजिए और वहां पे जो है आसपास के एरिया में गाड़ दीजिए, या फिर भगवान शंकर जी के जो शिवलिंग है वहां पे आप रख दीजिए। चांदी का त्रिशूल या फिर तांबे का त्रिशूल जब तक आपके घर में रहेंगे, आपके शत्रु हमेशा परास्त रहेंगे, शत्रु आपके तलवे चाटेंगे, आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शत्रु से परेशान रहते हैं, चाहे ज्ञात शत्रु हो, अज्ञात शत्रु। शत्रु का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे आपके गरीबी भी शत्रु की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि गरीबी व्यक्ति के एक ऐसा शत्रु है जो कि व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। तो चांदी या तांबे का त्रिशूल लाने से सभी प्रकार के गुप्त शत्रु का भी नाश होता है, चाहे आपके जानकार शत्रु हो, ज्ञात शत्रु हो, अज्ञात शत्रु हो, कोई भी शत्रु हो, सभी प्रकार के शत्रु का नाश होता है। इसके बाद है चांदी के बेलपत्रा। देखिये, बेलपत्रा के बिना शिव जी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। बेलपत्रा के बिना भगवान शंकर जी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। अगर आप चांदी के बेलपत्रा महाशिवरात्रि के दिन लाते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं, और चांदी के बेलपत्रा अगर आप शिवलिंग पर टच करा देते हैं, फिर 24 घंटे के लिए भगवान शंकर को अर्पित करने के बाद छोड़ देते हैं, और इस बेलपत्रा को आप अपने घर में गल्ले में पूजन स्थान पे कहीं पे रखते हैं, तो यकीनन माना कि वो साधारण बेलपत्रा नहीं रहेंगे, ये जागृत हो जाएंगे, ये आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराने का काम करेंगे। दोस्तों, नागनागिन का जोड़ा, नागनागिन के जोड़ा को भगवान शंकर जी का आभूषण माना जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन चांदी या तांबे का नागनागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इससे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन जाते हैं, घर में लक्ष्मी का बंधन होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और ये चूंकि भगवान शंकर जी के आभूषण माने जाते हैं, चूंकि इसके रखने से घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, रुद्राक्ष।
हिंदू धर्म में भगवान शंकर जी के आंसू से रुद्राक्ष पैदा हुए थे। तो आप जो है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रुद्राक्ष अपने घर में खरीद करके लाएं। किसी भी मुखी के रुद्राक्ष घर में खरीद करके ला सकते हैं। तो घर में रुद्राक्ष आप खरीद करके लाएं और इस रुद्राक्ष को सर्वप्रथम तो सादे पानी से आप स्नान करा दीजिए, फिर इसे भगवान शंकर जी को अर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पर इसे टच करा दीजिए और इसे टच कराते ही ओम नमः शिवाय 5 बार पढ़िए। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर इसे रहने दीजिए, जागृत हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 पहर रहेंगे भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर टच होकर के, तो ये जागृत हो जाएंगे। फिर इस रुद्राक्ष को आप पहन लीजिए। जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि जिसमें प्राण हो वही व्यक्ति चल पाएंगे, जिसमें प्राण नहीं हो मुर्दे तुल्य व्यक्ति वो कभी भी चल नहीं पाते। उसी प्रकार दोस्तों चैतन्य चीज जागृत वस्तु हमेशा प्रभाव दिखाते हैं, तो ये जागृत हो जाएंगे और ये जीवन के आपके सभी प्रकार के संकट को दूर करेंगे, ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएंगे, ये आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराने का काम करेंगे। तो कोशिश करें शिवलिंग जो है महाशिवरात्रि के दिन आप खरीद करके लाएं और इसे आप जो है शिवलिंग पर रख दीजिए। इसके दूसरे दिन आप जो है रस्सी में इसे पहन सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों गंगा जल। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो इस दिन गंगा जल लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगा जल लाइए, इसे भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अभिषेक करें और शंकर जी के जलहरी से जो पानी निकलेंगे शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे वो गंगा जल के पानी को घर पे छिड़के। तो घर में नकारात्मक शक्ति है, दरिद्रता है, गरीबी है, ये सब इसके छिड़कने मात्र से भस्म हो जाएंगे। इसके बाद कहना चाहूंगा इस दिन पारद की गुटिका जरूर खरीद करके लाएं, जिसे पारा गुटिका के नाम से जानते हैं। मैं क्यों इतना फोकस करूं कि पारा की गुटिका खरीद करके लाएं, क्योंकि दोस्तों इस दिन पारा की गुटिका आप घर में खरीद करके लाएंगे तो इसे भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको टच करना है। पारा भगवान शंकर जी के वीर कहे गए हैं, पारा को आप अपने हाथों में पकड़ नहीं पाएंगे, ये फिसल जाते हैं, हाथ में कभी आप इसे रख नहीं पाएंगे। तो जो पारा है भगवान शंकर जी के वीर कहे गए इसे कोई व्यक्ति पकड़ नहीं पाते, लेकिन पारद गुटिका क्योंकि पारा को मारा जाता है, इसे औषधि से संस्कारित किया जाता है, पूजन पाठ के दुकान पे बिना संस्कारित किए हुए पारा की गुटिका भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये भगवान शंकर जी के वीर कहे गए हैं। तो पारा की गुटिका लाइए और इसे सर्वप्रथम तो आप जो है 15 मिनट के लिए सादे जल में डुबा करके रखें, 15 मिनट के लिए गंगा जल में डुबा करके रखें, फिर इसे भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर टच करा दीजिए, फिर भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर इसे बांध करके या फिर भेंट करके रख दें, तो ये जागृत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जागृत हो जाएंगे। फिर इस पारद गुटिका का चमत्कार देखना दोस्तों। दूसरे दिन शिवलिंग की पूजा करने के बाद दूसरे दिन जिस दिन व्रत समाप्त हो जाएंगे उसके बाद दूसरे दिन इस पारद के गुटिका को ओम नमः शिवाय ये मंत्र बोलते हैं मुट्ठी में बांध करके 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना और इस पारद के गुटिका को पहन लेना। जहां भी जाओगे बिल्कुल ही सफलता की डंका फहराओगे, जहां भी जाओगे लोग आपके तलवे चाटेंगे, जो बोलोगे वही सच होगा, जो बोलोगे वो होने लगेगा, जैसा करोगे वैसा होने लगेगा, धन दौलत सुख संपत्ति सभी प्रकार के नाना प्रकार के जितने भी सुख सुविधा कहे गए हैं ये सब पारद गुटिका आपको ला करके देंगे। अर्थात पहनने के बाद आपको वह हर सारे चीज प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है, जैसे कि बेलपत्रा। देखिए प्रभु आशुतोष की पूजा में अभिषेक जल का अभिषेक करने के बाद बेलपत्रा हम सब चढ़ाते हैं, तो ऋषि महात्मा कहते हैं कि बेलपत्रा भोले भंडारी को जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है 1 करोड़ कन्या के दान करने से जो फल की प्राप्ति होती, जो पुण्य की प्राप्ति होती, केवल 1 बेलपत्रा शिवलिंग पर चढ़ा देने से मिल जाते हैं और 3 जन्मों के पाप भी दूर हो जाते हैं। 3 पत्र वाले जो बेलपत्र चढ़ाते तो इसे 3 जन्मों के पाप मिटते हैं। सत रज तम ये तीनों जितने भी जीवन में परेशानी लाते हैं तीनों गुण वह भी दूर होते हैं। भगवान शंकर जी को हम सब भांग चढ़ाते हैं। भांग क्यों चढ़ाते हैं? भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया था और इस विष के उपचार के लिए कई तरह के जड़ी बूटी का देवताओं ने प्रयोग कराया था, तो इसी प्रयोग के अंतर्गत भगवान शंकर जी को भांग भी चढ़ाए गए थे। भगवान शंकर जी को भांग बेहद प्रिय है, क्योंकि भांग को चढ़ाने से भगवान शंकर के जो तीपन होती है, विष पान किए थे उसके जो प्रभाव होती है वो शांत होती है, क्योंकि लोहा लोहे को काटने का काम करते हैं।
तो इस दिन भांग के पत्ते या भांग को पीस करके दूध या जल में घोल करके भगवान शंकर जी को अभिषेक करने से रोग और दोष ये दोनों से मुक्ति मिलती है। धतूरा, भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है, तो भगवान शंकर जी के सिर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इस दिन धतूरा को चढ़ाते हैं तो भोले भंडारी बहुत प्रसन्न होते हैं और इसी के साथ इस दिन शिवलिंग पर धतूरे के फल अर्पित करते हैं तो भोले भंडारी प्रसन्न होने के साथ साथ आपके जीवन में शिव अंश प्रदान करते हैं। इसके बाद दोस्तों इस दिन अब हो सके तो गन्ने का रस जरूर चढ़ाना। गन्ना जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक माना जाता है, शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना था और दोस्तों देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर हम बना करके भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं, तुलसी मैया की पूजा करते हैं, तो गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष से पीड़ित है और इसके कारण आपके भाग्य उदय नहीं हो पा रहे तो अब शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल में साबुत अक्षत के 5 दाने डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करें तो सभी ग्रह एवं सभी प्रकार के दोष शांत हो जाएंगे। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि जेब में ऐसे क्या रखें जिसे दुनिया तलवे चाटे, हमारे प्रगति हो, हमारे उन्नति हो। तो दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा 5 अक्षत के दाने एक बेलपत्र को लाल कलर की कपड़े में लपेट करके या फिर बांध करके आप जो अपने पर्स में रखना शुरू कर दे। जहां भी जाएंगे सफलता मिलेंगे, जहां भी जाएंगे तरक्की मिलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपने पारद गुटिका खरीद करके लाए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को फ्री का और एक पैसे का उपाय बताऊंगा बोले थे, तो दोस्तों आप पारद गुटिका खरीद करके लाएंगे तो इसे शिवलिंग पर टच करा दीजिए और फिर आप इसे धारण करें, अपने पर्स में रखें। चाहे तो आप पहन सकते हैं, चाहे तो आप पर्स में रखें, कुछ भी हो पारद गुटिका आप जो है इस दिन कैसा भी हो कुछ भी हो इस दिन पारद गुटिका जरूर खरीद करके लाए, क्योंकि भगवान शंकर जी के वीर है, जागृत स्वरूप है। चाहे बिना संस्कारित ही क्यों ना हो आप पूजन पाठ की दुकान से पारद गुटिका खरीद करके लाए और इसे आप जो अपने पर्स में रखें या फिर पहने, दिन दुगनी रात चौगनी आपके तरक्की होंगे। जहां भी जाएंगे आपको सफलता मिलेंगे, लोग आपके गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों धन लक्ष्मी के साथ साथ आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य की भी प्राप्ति होगा। तो ये चीज आप अपने जेब में रखना शुरू कर दीजिए दोस्तों, आपकी उन्नति निश्चित है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।